आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जू होना क्यों इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे वीडियोस कि जानवर उदास है बहुत ज़्यादा, या फिर उसको खाने को नहीं दे रहे हैं, या फिर इट्स गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ क्रूएल्टी। पर साथ ही साथ हम वो वाले वीडियोस भी देखते हैं जिसमें जानवर बहुत खुश हैं, वो एंजॉय कर रहा है। और अभी रिसेंटली एक वीडियो था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट वीडियो था। उसमें एक ऑरैंगुटैन के पिंजरे में, मतलब उसके एनक्लोजर में किसी के शेड्स गिर गए थे, तो उसने उसने उसके सनग्लासेस को उठाया और वो लिटरली उठा के उसने ऐसे लगाया, एंड ही वॉज रोमिंग, मतलब शी वॉज रोमिंग ऑल अराउंड। उसके हाथ में एक बच्चा भी था ऐसे सनग्लासेस लगा के, ऑरैंगुटैन, मतलब आई शो यू द फोटोग्राफ। सो दिस इज व्हाट डज दिस मीन, दैट इट इज एंजॉयिंग वट एवर इट सीइंग, राइट? वो थोड़ा सा क्यूरियस है हर चीज़ को जानने के लिए, पर हाँ वो खुश है। और साथ ही वो फिर वो वाले फोटोग्राफ्स आ जाते हैं जहाँ पे वो भूखे हैं बहुत ज़्यादा, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, एंड दे जस्ट वॉन्ट कि कोई उनको आके बचा ले या फिर ऐसा कुछ। आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जू होना क्यों इम्पोर्टेंट है। सब कुछ जानते हुए, जितनी क्रुएल्टी होती है, जितने वीडियोज आते हैं, जितने फोटोग्राफ्स आते हैं, पोस्ट आते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉइंट्स हैं। उनमें सबसे पहला आता है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मिलती है लोगों को वाइल्ड लाइफ से, नेचर का नेचर की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देख के आप बोल दोगे कि हाँ, नेचर इज इंजॉइंग, नेचर इज थ्राइविंग, दैट इज वाइल्ड लाइफ। अगर आप कोई जानवर देख लोगे, अगर आप एक पाम सिविट को देख लोगे ना, या फिर एक से एक तेंदुआ तेंदुए को भी आप देख लोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये बहुत खुश है। अगर वो जिंदा है तो वहाँ पे पेड़ भी होंगे, और अगर पेड़ हैं तो घास भी होगी, घास हैं पौधे होंगे, पौधे हैं तो हिरन भी होंगे। तो दैट्स हाउ यू कम टू नो। तो जानवर अगर आपको दिखता है तो इट इज द अटमोस्ट प्रूफ। तो इसलिए ये इस प्रूफ को देखने के लिए जूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये बताते हैं वो कि जानवर क्या होता है, वो कैसे होते हैं, उनका क्या रोल होता है इस पूरे, और हम उनको क्यों, हमें उनको बचाना चाहिए। और द ब्यूटी, ऑब्वियसली मैं ब्यूटी की बात भी नहीं करूंगा, वो सबको पता है, क्योंकि पिकनिक पे, फैमिली ट्रिप्स में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है चिड़ियाघर। मैं बहुत एक्साइटेड होता था जब मेरे मम्मी पापा मुझको लेके जाते थे, एंड वी यूज टू गो विद फैमिलीज, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी गए होंगे एक बार। सोशल अवेयरनेस देता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, एंड इट इज़ वेरी गुड। हर कोई पूरे 24 घंटे डिस्कवरी चैनल ना जो नहीं देखता। इस कुछ कुछ लोगों को प्रैक्टिकली देख के बिलीव होना होता है, और वो उनसे एक्चुअली में होता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर जूलॉजिकल पार्क्स, उन्होंने ना एक थोड़ा सा बहुत ही अजीब सी चीज़ सोची थी। उन्होंने सोचा कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड जू है ना, मतलब जितने भी हो सकता है वो जिससे भी रीच आउट कर सकते हैं, उनकी कितने स्टेप इन्स हुए हैं, मतलब कितने लोग आए हैं। ये सच्ची बात है, 2004 में, यू कैन रीड अबाउट इट। तो उन्होंने देखा 700 मिलियन लोग, 700 मिलियन लोग, जितने जीरोज हैं आप काउंट कर सकते हो, 700 मिलियन लोग जू में गए थे उस दिन। तो इट मीन्स इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। एक कैफ़े, एक रेस्टोरेंट से बहुत अलग जगह होती है जू, क्योंकि वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ और होता है। तो जू में होते हैं कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं उनको हम रखते हैं जू में, और वो हमें हेल्प करता है वाइल्ड ऑब्जर्वेशंस में। जितने उसके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बिहेवियर उसका क्या होता है वाइल्ड लाइफ में, मतलब वाइल्ड में जब वो होता है जंगलों में, तो वो हमें देखने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हर कोई हर समय जू नहीं, मतलब जंगल नहीं जा सकता, और वो हमें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उस स्पीशीज को बचा पाएं। और बचाने की जहाँ तक की बात है, आई हैव प्रूफ। सबसे बड़ा प्रूफ तो, सबसे बड़े कुछ सबूत हैं इंडिया के ही। आप जानते हैं जैसे घड़ियाल, अगर जू ना होते तो घड़ियाल का होना बहुत मुश्किल था। ब्लैक सॉफ्ट टेल टर्टल, उनका भी कॉन्जर्वेशन काफ़ी अच्छा चला है इंडिया में, और ऐसे ही काफ़ी और इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। आई हैव अ लिस्ट, अमूर लेपर्ड है। अमूर लेपर्ड सिर्फ 35 से 65, सिर्फ 35 से 65
मिले थे वाइल्ड में, एक्चुअली में जो सर्वाइव कर रहे थे. पर लंदन में उनका एक काफ़ी अच्छा लंदन जूलॉजिकल पार्क, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया उनके कॉन्जर्वेशन पर. और वो अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट डेट दे आर मोर देन 200 से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि सिर्फ 35 से 65 के बीच में थे. और इट इज़ गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छे से. इट्स अ ब्यूटिफुल लेपर्ड, इसको कोरियन लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है. ये रशिया और चाइना के अराउंड कहीं मिलता था, उसके बीच में कहीं. और बंदरों में बहुत सारे वॉलपेपर्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे. एक बहुत सुंदर बंदर होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन टैमरिन, पूरा नाम होता है गोल्डन लायन टैमरिन, क्योंकि उसके ऐसे दाढ़ी ऐसे शेर के जैसी आती है. छोटा सा बंदर होता है, गोल्डन होता है, एक्चुअली वाला गोल्डन होता है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. बहुत ज़्यादा इसका भी इंटरनेशनल बहुत बड़ा केस था. ये हुआ था रियो दे जनेरियो में, उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया और 30 से 35 साल हो गए हैं उसको चलते हुए. और फाइनली अभी वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल हुए हैं. और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि आप देख सकते हैं. ये जानवर हमें आज देखने को नहीं मिलते क्योंकि इनको इंसानों ने इतना हंट किया था फॉर देयर मीट, या फिर उनकी रहने की जगहें तोड़ दी हैं. इस वजह से आपको ये नहीं देखने को मिल सकते वाइल्ड में. पर अगर जू ना होते तो ये कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते. एंड इट इज़ अ ट्रू थिंग. अगर आप इस चीज़ को झूठ माने तो प्लीज़ यू कैन सर्च, प्लीज़ इस चीज़ के बारे में पढ़िए. आप मानिए चाहे मत मानिए, आपके सामने आप नहीं देखोगे उन लोगों को, बिकॉज आई नो देम पर्सनली. वो लोग इतने बड़े बड़े काम करते हैं और वो एकदम छोटे से नटशेल में रहते हैं. सोशल मीडिया पे भी नहीं जाते, एक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनकी जगह कुदरत होती है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. द एशियाटिक लायन, एशिया में लायन सिर्फ इंडिया में है, ये सबको पता है. अगर नहीं पता था तो अब पता लग गया होगा कि पूरे एशिया में जो लायन है वो सिर्फ इंडिया में है. और जहाँ भी गए हैं वो एशियाटिक लायन इंडिया से ही गए हैं. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एशियाटिक लायंस. एशियाटिक लायन की एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरी पर्सनल है, जो कि मैंने खुद सुनी है लोगों से और खुद जा जाके. तो एक सकरबाग जू है, इंडिया का सबसे पुराना जू इन गुजरात. वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, आप बिल्कुल विजिट करो. वहाँ पे एक लायन कंजर्वेटरी है, वो एक ब्रीडिंग फैसिलिटी है फॉर एशियाटिक लायंस. और वहाँ पे जो पिंजरे हैं, द स्टोरी गोज बैक टू लेट 1617 ऐसे, मतलब बहुत पहले, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें हैं ये. दैट इज़ वेरी पर्सनल फॉर मी. मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं आई हैव लिव्ड विद देम, जो कि उसके कॉन्जर्वेशन के लिए जिन्होंने काम किया है. पर यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट जो वहाँ पे असल में लोग काम कर रहे हैं, द लो लेवल वर्कर्स, मतलब लो लेवल वर्कर्स एज इन जिनका डेली जो देखते हैं उनको और उनकी यू नो इवन दे क्लीन ऑल्सो, वो इतने कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे जानवरों से. जस्ट थैंक देम फॉर एंड जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. वहाँ पे वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट दिया हुआ है उन्होंने जानवरों को. इंक्लोजर्स हैं इतने ब्यूटीफुल हैं कि ऐसा लगता है इट्स लाइक अ पेंटिंग. तो बिलीव मी मैं आई एम वेरी क्रेजी अबाउट नेचर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा ओवर हो जाता हूँ. बट या दिस इज़ ट्रू, बट दिस इज़ रियली ट्रू. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. पर उसकी जो हिस्ट्री है बहुत, दैट अमेजेस मी. मैं चौंक गया था जब मैंने देखा था. तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम पे, उससे पहले जब नवाब हुआ करते थे यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 17th century के टाइम वाला टाइम, वहाँ पे नवाब रहा करते थे. और नवाबों का नवाबों का शौक हुआ करता था शेरों को शिकार करना उनका. वो जाते थे, शेरों का शिकार करते थे, उनकी लाशें लाते थे, उनके सर काट के दीवार पे बनवा देते थे, हर जगह. उन्होंने फिर देखा कि इतने ज़्यादा उन्होंने शिकार कर लिया है हर मतलब शेरों का, इतना ज़्यादा कि वो अब शिकार करने के लिए रह ही नहीं गए थे, वो बिल्कुल नहीं रह गए थे. और तो उनको रियलाइज़ हुई ये चीज़, काफ़ी अजीब सी लगी. तो उन्होंने शेरों को पकड़ के पिंजरे बना दिए बड़े बड़े, और बहुत बड़े बड़े, दे मेड ह्यूज केजेस, और उसमें उन्होंने शेरों को रखा. तो उस समय सिर्फ 6 या 7 शेर बचे थे, उससे ज़्यादा नहीं. तो 6 या 7 शेरों से
अभी तक जो आप शेर देख रहे हो वो नवाबों का जू जो था, मतलब तब तो वो जू नहीं था, पर अब वो जू है सकरबाग जू, उसी की वजह से है। एंड दैट इज ट्रू। आप देख सकते हो नवाबों के अभी भी केजेस वहाँ पे लगे हुए हैं। आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स जो कि वहाँ पे रहते हैं, और द मेन गाय जो कि उनके लिए काम करते हैं, यशोधर गुलेटकर, डूइंग ग्रेट जॉब। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, ये लोग सामने नहीं आते पर ये बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो मैं सोचता हूँ मेरे लिए सीख थी एक, जब मैं भी एक शायद जू को गाली दे रहा था क्योंकि वहाँ पर जानवर उदास हैं, तो वहाँ पर जो जानवर अगर सैड है तो वो अथॉरिटीज़ की गलती है और किसी की नहीं। और सबसे ओल्डेस्ट टाइग्रेस, सबसे बूढ़ी अभी तक की टाइग्रेस जो थी, मतलब एज एन ओल्डेस्ट, वो थी 19 साल रही है वो जिंदा। वो लखनऊ के जू में थी 2019। उसका नाम उसका नाम शायद से प्रिया था या मछली था, दोनों में से मुझे कन्फ्यूजन है, पर ये दोनों ही वर्ल्ड मोस्ट ओल्डेस्ट टाइग्रेस मानी जाती थी। आई सॉ वन ओल्ड टाइग्रेस इन दिल्ली जूलॉजिकल नेशनल पार्क एंड इट वॉज बहुत अच्छे से उसका ग्रेस था और उसके मुंह में दांत नहीं थे, तो वो लोग ना उसको पूरा ऐसे एक शेक बना के देते थे, इंक्लूडिंग ऑल द मीट्स और मल्टीविटामिन उसके लिए और वो सब, और वो एकदम एंजॉय करती थी। उसको सब कुछ पता था कौन उसको खाना देने आया है और शी यूज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल टू सी। बहुत ज़्यादा सैड हुए थे वहाँ का स्पेशली स्टाफ व्हेन शी पास्ड अवे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो कि देखभाल करते हैं इंटरनेशनली जानवरों की, तो उनके अंडर स्पीशीज रजिस्टर्ड होती है और एक रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट में जितनी भी स्पीशीज हैं मतलब वो ख़त्म होने ही वाली हैं। उनमें से 39 स्पीशीज हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वाइल्ड से, मतलब वाइल्ड में आपको नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ जू में है, और जू में उनकी ब्रीडिंग की वो तैयारी कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल। उसमें से 24 के अराउंड कुछ स्पीशीज हैं जो कि रेडी भी हैं वाइल्ड में रिलीज होने के लिए, मतलब कुछ स्पेसिमेंस उन्होंने इतने ब्रीडिंग कर ली है, और ऐसे काफ़ी सारे जानवर हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिस इज व्हाट दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रेयर, क्योंकि लोगों ने इनको या तो हंट बहुत ज़्यादा करा है या मार डाला है। रेड पांडा इज वेरी वेरी क्यूट क्रिएचर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो देखने के लिए भी नहीं मिलता, बाहर काफ़ी ज़्यादा फेमस है पर अपेरेंटली इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है। तो रेड पांडा एक बहुत बहुत अलग सा दिखने वाला एक जीव होता है, दे आर पांडास, और दे लिव ऐसे पेड़ों पे ऐसे चिल करते हुए ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत ज़्यादा दूर। अगर आपने उनको वाइल्ड में देख लिया तो मतलब लकी हो आप बहुत ज़्यादा। वो मिलते हैं उत्तराखंड और हिमाचल के उधर वाले एकदम साइड में, चाइना बॉर्डर के अराउंड, ऑब्वियसली हंटेड फॉर देयर फर और पेट ट्रेडिंग का तो आई डोंट नो अभी तक, पर उनके फर और उन सब चीज़ों के लिए बहुत हंट हुआ है उनको, और जितने भी वहाँ पर यू नो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, उनके सारे जंगल ख़राब कर दिए हैं और वो सब तो बेचारे, और वो बहुत सीधा जीव होता है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वो अगर आप उसको डराओगे तो वो आपको काटेगा नहीं, आपको डराएगा नहीं, वो ऐसे अपने हाथ खड़े कर देगा जस्ट लाइक नॉर्मली। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो ऐसे करके आपको दिखाता है कि वो कितना बड़ा है ऐसे ही। दे आर वेरी ब्यूटिफुल, बहुत क्यूट से होते हैं वो, तो इसलिए ज़्यादा इतना कोई डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होता कि कुछ मार दिया निकाल के या फिर काट लिया या फिर ऐसा, इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए बहुत ईजिली लोग उनको पकड़ भी लेते हैं। जू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिहैबिलिटेशन में। कभी कभार क्या होता है कि हम कोई जानवर रेस्क्यू करते हैं एंड उसके आसपास, हमारे आसपास कोई जगह नहीं है उसको रखने की, मतलब अगर आपने एक तेंदुआ रेस्क्यू किया है तो डजंट मीन कि वो एक बिल्ली है आप उसको रूम में रख सकते हो। यू वांट अ प्रॉपर इंक्लोजर जहाँ पे आपको कोई नुकसान ना हो और जानवर को तो बिल्कुल ना हो। जू इज़ द ओनली ऑप्शन समटाइम्स, कि जू में ही प्रॉपर इंक्लोजर्स होते हैं, तो रेस्क्यू एनिमल रेस्क्यू जो हम करते हैं उसका रिहैबिलिटेशन जो होता है उसका सबसे मेजर रोल होता है जू का, क्योंकि जू में हम उसको रख के उसको अच्छे से खाना पीना देकर फिर उसको हम रिलीज करते हैं। दैट्स हाउ वी डू इट, मतलब हम नहीं, एज एन ऑफिशियल्स द ऑफिशियल्स हु आर डूइंग इट, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। सो दैट्स वाई,
सो आई एम श्योर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो था, बट आई एम सॉरी अगर आपको बोरिंग लगा हो, बट दिस वॉज ट्रूथ. और ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे हेटेड थे. आई टोटली अंडरस्टैंड बहुत गलत तरीके से जू में जानवर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेशन से ही मर जाते हैं काफी सारे तो बेचारे, और उनका ध्यान नहीं रखा जाता. तो प्लीज अगर किसी जू में कोई प्रॉब्लम है तो अथॉरिटीज को ब्लेम करो, उसको बंद करवाने पे मत फोकस करो, उसको अच्छा बनाने में फोकस करो, वहां के जानवरों को खुश करने में. और ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, मैं भी सबको छोड़कर आया था, मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है वाइल्ड लाइफ स्टडीज वगैरह का. मैं तो एक नॉर्मल सा शेफ लाइन में हुआ करता था, आई यूज टू बी इन किचन होटेलियर था मैं, देन आई वाज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, और उसके बाद में और बचपन से आई हैड अ थिंग फॉर वाइल्ड लाइफ. तो कोई भी कर सकता है, अगर आवाज उठानी है तो प्लीज उठाओ, सोशली लेकर जाओ, इतना ज्यादा हल्ला मचा दो कि ऑफिशियल्स पे प्रेशर आ जाए कि वो जू को अच्छा रख लें. और जू में अगर कोई जानवर खुश है, अगर अच्छा है जू, तो प्लीज जाके उनको अप्रिशिएट करो, अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज अगर अगली बार आप कभी आपको बाहर जाना है तो ऑप्ट फॉर जू, जू में जाइए, उनको देखिए, जानवर को देखिए, इट्स ब्यूटिफुल टू सी देम. बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड हर कोई जंगलों में जाके उनको नहीं देख सकता. तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो भी थैंक यू सो मच, इट विल हेल्प अस मोर इन कंजर्विंग देम. एंड यस, दैट्स हाउ वी रोल. एंड यस, जस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स अराउंड यू.